हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो का टॉपिक है जुलाई थर्ड वीक करेंट अफेयर्स 2022। सो जुलाई थर्ड वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं, उसे आज हम देखने वाले हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हैज़ द वर्ल्ड पेपर बैग डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 12 जुलाई। ओके, सो 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड पेपर बैग डे। तो अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पेपर बैग डे की। ठीक है, तो पेपर के बैग का अब यूज़ करना है एज अ झोला बाहर जाने के लिए। ठीक है, तो हम झोला वगैरह लेके जाते हैं ना जब हम कहीं बाहर जाते हैं सामान लेने के लिए, तो सामान लाने के लिए अब आपको पेपर वाले बैग का झोले की तरह यूज़ करना है बाहर जाने के लिए। ओके, तो बस झोला यानी कि झूला, सो जुलाई हो जाएगा, अब बाहर यानी कि 12। सो 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पेपर बैग डे। ओके, सो बात हो रही है अब डेज की। सो जुलाई में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उसे हम देख लेते हैं। सो 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल मेडिकल डे या GST डे। 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस या इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। ओके, 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड जूनोस डे। 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एंड 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मलाला डे। ओके, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द सेंटर एट द प्री प्राइमरी लेवल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सो देश का पहला राज्य बन गया है जिसने नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू किया है, कौन है? ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ठीक है, कैसे याद रखना है कि प्री प्राइमरी स्टेज से ही अब हर पार्ट में यानी कि हर पार्ट का, हर खंड का आंसर कैसे देना है बच्चों को, उसका उत्तर करना, उत्तर सिखाने की कोशिश की जाएगी। यानी कि प्री प्राइमरी से ही हर खंड या हर पार्ट का उत्तर कैसे देना है बच्चों को ये सिखाया जाएगा। ठीक है, तो उत्तर हर खंड का तो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ओके, सो नई शिक्षा नीति जिसने प्री प्राइमरी स्तर पर लागू की है, फर्स्ट स्टेट इंडिया का कौन सा है, उत्तराखंड। तो ये आंसर आपको याद रखना है, राइट। अब बात हो रही है उत्तराखंड की। सो उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हम देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में ही दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति पाई गई है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। देहरादून में BRO @63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई है, किसने? उत्तराखंड ने। ओके, भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। और लाइकेन पार्क भी कहाँ पर बनाया गया है, इंडिया का फर्स्ट, उत्तराखंड में ही। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड ऑफ जापान। हाल ही में जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नारायण कुमार। ओके, अब 2022 का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड किसे मिला? नारायण कुमार को मिला है। ठीक है, कैसे ध्यान रखना है, अब जैसे ही सनराइज हो रहा है, ठीक है, तो जैसे ही सनराइज हुआ तो लोग क्या जपने लगे, नारायण नारायण, है ना। तो सन उगते ही क्या जपने लगे, नारायण नारायण, तो नारायण कुमार हो जाएंगे, यानी कि कौन है, नारायणन कुमार। ओके, सो ये अवार्ड आके क्यों दिया जाता है? सो द अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू दोज हु हैव मेड डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट इन द प्रमोशन ऑफ जैपनीज कल्चर, अचीवमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन, एडवांसमेंट इन देयर फील्ड एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट। ओके, सो जैपनीज के लिए, जैपनीज के कल्चर को बढ़ाने के लिए जो भी काम करता है जापान के लिए उसको ये अवार्ड दिया जाता है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड ऑफ जापान। ओके, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट विल बिकम द कंट्रीज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट रिसेंटली। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ले। ओके, सो ले बन गया है फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कंट्री का। कैसे ध्यान रखना है, अब कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बना है ना, तो अब इस तरीके के प्लेन्स लेके आए होंगे जो कार्बन फ्री हो, यानी कि बिकॉज प्लेन्स अब कार्बन फ्री लेके आए, तो ले के आए, तो ले यानी कि ले, सो ले हो जाएगा। ओके, अब बात हो रही है लेह की। सो ले से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं उसे हम देख लेते हैं। सो 26 सिंधु दर्शन यात्रा स्टार्ट हुआ है लेह में। इंडिया का फर्स्ट कम्युनिटी म्यूजियम टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन लेह लद्दाख। इंडिया का फर्स्ट मोबाइल सिनेमा हैज़ बीन सेटअप इन ले, यानी कि भारत का जो पहला चलता फिरता सिनेमा है वो ले में स्थापित किया गया है। ओके, तो थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलता फिरता सिनेमा गृह, ठीक है। तो चलता फिरता सिनेमा घर लेह में इसका स्थापित किया गया है, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन इज, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इनॉग्रेटेड द एयरपोर्ट इन देवघर ऑफ विच स्टेट। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, झारखंड, ओके। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, देवघर ऑफ विच स्टेट। अब देवघर, तो हमें यहाँ पे आप देख रहे हो ना किसकी स्पेलिंग लग रही है, डीओ, यानी कि घर में ना अब डीओ छिड़क रहे हैं, यानी कि अब एयरपोर्ट से ना जो भी एरोप्लेन्स आ रही हैं, ठीक है, तो उसको डीओ लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि भाई वो प्लेन्स ना झाड़ी में से होते हुए आ रही है, तो झाड़ी यानी कि झारखंड, ठीक है। तो डीओ लगाया क्यों? क्योंकि झाड़ी में से आ रही है, तो झाड़ी यानी कि झारखंड, ओके। अब बात हो रही है झारखंड की, तो झारखंड से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हम देख लेते हैं। सो तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO प्राइज मिला है झारखंड को। झारखंड का जो जमात्रा जिला है, गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में शुरू की गई है। राज्य की विधानसभा ने मोब वायलेंस और लीचिंग के लिए विधेयक पारित किया है, ओके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो झारखंड के हैं आपको ध्यान रखना है। सिक्स क्वेश्चन है, हु हैज़ राइजन टू द टॉप ऑफ ICC ODI बॉलर रैंकिंग रिसेंटली। हाल ही में ICC ODI गेंदबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जसप्रीत बुमराह, ठीक है। अब ICC ODI बॉलर की रैंकिंग में जो जसप्रीत बुमराह है वो टॉप पे पहुंच गए हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, जब ये बॉलिंग करते होंगे ना तो गुमराह करके करते होंगे कि मैं यहाँ से डालूंगा यहाँ से डालूंगा, प्लेयर को कंफ्यूज कर रहे हैं, जो बैटिंग कर रहा है प्लेयर उसको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो गुमराह करके, तो गुमराह यानी कि बुमराह, सो जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर, ओके। सेवेंथ क्वेश्चन इज, हु हैज रिसेंटली वॉन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर June 2022। हाल ही में June 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द माह पुरस्कार किसने जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज जॉनी बेस्टो एंड मेरिजन कैप, ओके। सो ऑप्शन सी इसका सही है, बोथ ऑफ द अबव, ओके। सो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून का अवार्ड किसे दिया गया है? जॉनी बेस्टो एंड मेरिजन कैप। अब बात हो रही है यहाँ पे जून की, सो जून में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और बारिश भी शुरू हो जाती है, तो जून से बारिश और गर्मी दोनों ही शुरू हो जाती है, ठीक है। तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि कभी कभी लगता है आप मर ही जाएंगे, तो मर ही जाएंगे यानी कि मेरिजन कैप, ओके। अब बारिश भी होती है, बारिश यानी कि बेस्टो, सो जॉनी बेस्टो, ओके। सो जॉनी बेस्टो एंड मेरिजन कैप दोनों को अवार्ड दिया गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर June 2022, राइट। अब बात हो रही है यहाँ पे किसकी, ICC की। सो अब ICC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम। सो ICC फाउंड हुआ था 15 जून 1909 में। ICC के चेयरमैन है प्रेजेंट में ग्रेग बार्कले। ICC के CEO हैं जॉफ एलारडाइस और ICC का हेडक्वार्टर है दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में, ओके। अब चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू ज्वाइन द प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश, ओके। सो आंध्र प्रदेश ने डिसाइड किया है कि वो फिर से रिज्वाइन करेगा प्राइम मिनिस्टर के फसल बीमा योजना में। अब प्राइम मिनिस्टर के फसल बीमा योजना की बात हो रही है, तो आखिर ये है क्या? सो इस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए बीमा करवाया जाएगा, जिसमें प्रीमियम दर बहुत कम कर दी गई है, जिससे किसानों को पूरा लाभ मिले। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम कम होगा लेकिन ज़्यादा नुकसान पूरा किया जाएगा, ओके। तो जो किसानों से है उनसे प्रीमियम बहुत कम ली जाएगी, और जो भी किसान है, ओके, तो उनका अगर कुछ नुकसान हुआ है तो उसको सरकार भरेगी, और इस योजना में लगने वाला बजट का वहन दोनों राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा। अब बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, सो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं करंट अफेयर्स से उसे हम देख लेते हैं। सो 19-year-old जानवती डेंगती ने बिकमिंग द यंगेस्ट टू कंप्लीट द एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम फ्रॉम द एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर AATC एट करकाव इन साउथ पोलैंड, ओके। सो जानवी डेंगती जो है वो यंगेस्ट फीमेल बन गई है 19-year-old जिन्होंने कम्प्लीट किया है एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम में, ओके। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 2022 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है, राइट। और थर्ड पॉइंट है, मिलान जो इंडियन नेवी का एक बहुपक्षीय अभ्यास है 2022 ये विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ओके। नाइन्थ क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ रेलटेल रिसेंटली। हाल ही में रेलटेल के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, संजय कुमार, ओके। अब रेलटेल की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो कैसे ध्यान रखना है कि रेलटेल, तो क्या समझ में आ रहा है ना, अगर रेल की टेल निकल गई, ठीक है, अब रेल है ना,
तो अगर इसकी तेल निकल गई तो सब लोग देख के हैरान रह जाएंगे, सब लोग कहेंगे अरे ये क्या है, तो सब सन्न रह जाएंगे, तो सन यानी कि संजय कुमार हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अब बात हो रही है किसकी, रेल की, रेल टेल की। सो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड उसे हम देख लेते हैं। सो गोवा शिपयार्ड के न्यू हेड बनाया गया है बृजेश कुमार को। सतीश चंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। ओके, सो प्रीवियस करंट अफेयर वीडियोज़ में हमने ये सारे अपॉइंटमेंट्स पढ़े हैं। पी दे कुमार NSIC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अमजद सैयद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। उदय कुमार NSI के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। ओके, NIA के महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। AIFF सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष रंजीत बजाज बने हैं। SBI के नए MD बनाए गए हैं आलोक कुमार चौधरी। ओके, 10th क्वेश्चन है, When has the World Youth Skill Day been celebrated recently? हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 जुलाई को। ओके, वर्ल्ड यूथ स्किल डे की बात हो रही है, अब युवा के स्किल की बात हो रही है, ठीक है। तो अब युवा अगर अपने जॉब के लिए कहीं पे जा रहा है तो उसको अपने स्किल्स भी वो लेके जाएगा, तो अब पेपर में स्किल्स ना ले जाके वो पेन ड्राइव में ले जा रहा है, तो स्किल्स अपनी शो करने के लिए पेन ड्राइव में, तो पेन ड्राइव इनकी 15। ओके, सो 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस, राइट। चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट इंजीनियसली मेड लिथियम आयन सेल। हाल ही में भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल किसने पेश किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओला इलेक्ट्रिक। ओके, किसकी बात हो रही है? फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड लिथियम आयन सेल। जो इस तरीके का ये सेल बनाया गया है लिथियम आयन सेल, इसका यूज़ क्या है, क्या इसके फ़ायदे हैं? सो द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स एंड मटेरियल्स इनेबल द सेल टू पैक मोर एनर्जी, ठीक है। तो इस सेल को इनेबल करेगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है अपने अंदर पैक कर सके इन अ गिवन स्पेस। ओके, जितना भी स्पेस प्रोवाइड है ना, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को पैक करके रखेगा, एंड ऑल्सो इम्प्रूव द ओवरऑल लाइफ साइकिल ऑफ द सेल, राइट। सो इसका आंसर क्या है ना, ओला इलेक्ट्रिक। तो हमें इसे कैसे ध्यान रखना है, लिथियम आयन सेल। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो सेल है ना, ये एक तरीके से कैसा है, ये ऊपर और नीचे से गोल गोल है, तो गोला यानी कि ओला, तो ओला इलेक्ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रेट करके हमें ध्यान रख लेना है कि फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड लिथियम आयन सेल किसने डेवलप किया है या किसने इंट्रोड्यूस किया है ओला इलेक्ट्रिक में। अब बात हो रही है ओला इलेक्ट्रिक की, तो ओला इलेक्ट्रिक के जो फाउंडर हैं वो हैं भवेश अग्रवाल, और कब ये फाउंड हुआ था, 2017 में। ओके, 12th क्वेश्चन है, रिसेंटली सुधाकर डलेला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। हाल ही में सुधाकर डलेला को किस देश में भारत का अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, भूटान। ओके, सो भूटान में नियुक्त किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सुधाकर डलेला। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, भूटान। तो भूटान से कैसे ध्यान रखना है, भूटान यानी कि भुट्टा। ओके, तो कहीं आप हिल स्टेशन पे जाते हो, आपको भुट्टा दिखा खाने को, तो आप भुट्टा खाने जाते हो ना, तो क्या बोलते हो भुट्टा बनाने वाले से, देखो भैया बिल्कुल शुद्ध देना और नमक मिर्च भी डाल देना। तो शुद्ध यानी कि सुधाकर और डाल देना सो डलेला। सो सुधाकर डलेला को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया भूटान में, राइट। चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हेन इज तमिलनाडु डे सेलिब्रेटेड। हाल ही में तमिलनाडु दिवस कब मनाया गया है? सो ये मनाया गया है 18 जुलाई को, राइट। अब तमिलनाडु दिवस आखिर 18 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? तो ऑन 18 जुलाई 1967 मद्रास स्टेट वॉज ऑफिशियली रीनेम टू तमिलनाडु। स्टेटहुड डे ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु फॉर्म बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ओके, सो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956, तो इसी के तहत रीनेम किया गया मद्रास स्टेट का तमिलनाडु में। ओके, अब 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, तो कैसे ध्यान रखना है, अब तमिलनाडु, तो तमिल से हम कैसे रिलेट करेंगे, फिर से तमिल मिल यानी कि मिलना। ओके, तो जब आप किसी से मिलने जाओगे ना बाहर, तो एक आध बार तो जूस पिला ही दोगे उसको, खुद भी पी लोगे, अब इंप्रेशन झाड़ना है भाई, मिलने जा रहे हैं पहली बार, तो एक आध बार तो जूस पिला ही दोगे, तो क्या कहोगे, चलो यार हेल्दी पीते हैं, कुछ हेल्दी खाते हैं, ये चाउमीन मोमो में क्या रखा है, हेल्दी। तो हेल्दी यानी कि एक आध बार जूस पिला दोगे, तो एक आध यानी कि एक आध 18, और जूस यानी कि जुलाई, तो जूस को जुलाई से रिलेट करना है, तो जू जुलाई, तो जुलाई हो जाएगा। ओके, सो 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु डे, राइट। 14th क्वेश्चन है, हु हैज़ टॉप द रिसेंटली रिलीज इंडिया रैंकिंग 2022। हाल ही में जारी भारत रैंकिंग 2022 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सो IIT मद्रास ने किया है, ठीक है। सो द 17th एडिशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF ranking was released by Union Education Minister Dharmendra Pradhan
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास इज द ओवरऑल बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया. ओके, सो IIT मद्रास को बेस्ट इंस्टीट्यूशन दिया गया है फॉर हायर एजुकेशन इंडिया के लिए. ओके, अब बात हो रही है किसकी, IIT मद्रास की, राइट. सो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को मिला है, और सेकंड नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, और थर्ड नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे. ओके, सो बाकी कैटेगरीज भी आप देख सकते हैं कि बाकी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के बाद भी बाकी कई सारे इंस्टीट्यूट को भी ये अवार्ड दिया गया है. ठीक है, तो लेकिन फर्स्ट पे कौन है जिसने टॉप किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने, राइट. 15th क्वेश्चन इज वेयर हैज अग्निकुल कॉस्मो रिसेंटली ओपन इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट इंजन फैक्ट्री. हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ पर खोला है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अग्निकुल कॉस्मो ने भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन यानी कि प्राइवेट कहाँ पे खुला गया है, चेन्नई में खुला गया है. ठीक है, अब अग्निकुल की बात हो रही है ना, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में रॉकेट बनाने वाली कंपनी में अगर आग लग गई, ओके, तो अगर आग लग गई तो जब तक उसको कूल नहीं किया जाएगा तब तक सब लोग चैन से नहीं बैठेंगे, है ना, तो सब तक चैन से नहीं बैठेंगे यानी कि चैन नहीं हो जाएगा. ओके, सो अग्निकुल कॉस्मो ने भारत का पहला जो निजी रॉकेट इंजन कारखाना है कहाँ पे उसको खोला है, चेन्नई में. ठीक है, अभी आखिर अग्निकुल कॉस्मो है क्या, तो स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाली भारत की पहली फैक्ट्री का उद्घाटन किया है. अग्निकुल की स्थापना 2017 में हुई थी श्रीनाथ रविचंद्रन द्वारा, मोइन SPM और SR चक्रवर्ती IIT मद्रास के प्रोफेसर द्वारा की गई थी. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अग्निकुल कॉस्मो ने एक प्रिंटेड 3D रॉकेट इंजन बनाने के लिए एक निजी प्राइवेट कारखाना खोला है चेन्नई में. ओके, 16th क्वेश्चन है विच कंट्री विल इन्वेस्ट $2 मिलियन टू डेवलप इंटीग्रेटेड फूड पार्क अक्रॉस इंडिया रिसेंटली. हाल ही में भारत भर में एकीकृत फूड पार्क विकसित करने के लिए कौन सा देश $2 मिलियन का निवेश करेगा, तो कौन करेगा, यूनाइटेड अरब अमीरात. अब फूड पार्क बनाने के लिए कौन कर पाएगा, जो बहुत भैया अमीर हो, पूरे यूनाइटेड में जो अमीर हो, तो यूनाइटेड अरब अमीरात हो जाएगा. ठीक है, तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, $2 मिलियन खर्च करने वाला है कौन, यूनाइटेड अरब अमीरात, एकीकृत फूड पार्क विकसित करने के लिए इंडिया में. ओके, अब बात हो रही है UAE की, सो UAE से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं. सो UAE और इसराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है. UAE अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है. ठीक है, तो मार्स मिशन किसका है, होप UAE का, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. चलते हैं 17 क्वेश्चन पे, हु हैज रिसेंटली वॉन द FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022. हाल ही में FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है, तो किसने जीता है ना, नीदरलैंड ने जीता है FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022. ओके, अब वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो नज़र सिर्फ हॉकी खेलने के टाइम कहाँ पर रहती है, लैंड पे ही रहती है. ओके, तो ना इधर रहती है ना उधर रहती है, सिर्फ लैंड, तो ना इधर ना उधर यानी कि नीदरलैंड. ओके, सो किसने जीता है, नीदरलैंड ने जीता है, राइट. द नीदरलैंड हैज लिफ्टेड देयर फोर्थ टाइटल ऑफ FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022 आफ्टर बीटिंग जर्मनी एट पोच फॉस्टोम साउथ अफ्रीका. बात हो रही नीदरलैंड की, सो नीदरलैंड की कैपिटल है एमस्टरडम, नीदरलैंड की करेंसी है यूरो, और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मार्क रूट है, राइट. 18th क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली लॉन्च द बुक कनेक्टिंग थ्रू कल्चर. हाल ही में कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, ऑप्शन सी डॉक्टर जयशंकर. किसकी बात हो रही है, कनेक्टिंग थ्रू कल्चर. अब अगर आपको कल्चर के थ्रू सबसे कनेक्ट होना है ना, तो आपको हर एक कल्चर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी जय करना पड़ेगा, है ना, तो जय यानी कि जयशंकर हो जाएंगे. ओके, 19th क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ FIFS रिसेंटली. हाल ही में FIFS के महानिदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जॉय भट्टाचार्य. अभी FIFS क्या है, द फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स. ओके, अब किसकी बात हो रही है, द फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स. कौन है, जॉय भट्टाचार्य. अब फैंटेसी स्पोर्ट्स, अगर कोई इंसान बहुत बड़ा फैन है स्पोर्ट्स का, है ना, तो जो भी वो गेम खेलेगा या देखेगा तो उसमें वो बहुत जॉय फील करेगा, तो जॉय यानी कि जॉय भट्टाचार्य हो जाएंगे. ओके, 20 क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्राफिक रैम.
हाल ही में विश्व का सबसे तेज ग्राफिक ड्रैम किसने विकसित किया है, तो सैमसंग ने विकसित किया है। ठीक है, अभी ड्रैम क्या है, तो ड्रैम यानी कि रैंडम एसेस मेमोरी। ओके, सो सैमसंग अनाउंस द क्रिएशन ऑफ अ न्यू ग्राफिक डायनेमिक रैंडम एसेस मेमोरी ड्रैम चिप विथ इंक्रीज स्पीड एंड पावर एफिशिएंसी। द 24 गीगाबिट ग्राफिक डबल डाटा रेट GDDR6 यूज थर्ड जनरेशन 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी एंड बोस्ट द डाटा प्रोसेसिंग स्पीड दैट इज ओवर 30% क्विकर दैन कॉम्पिटेटिंग प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर कह रहे ना कि जो सैमसंग ने ड्रैम बनाया है यानी कि डायनेमिक रैंडम एसेस मेमोरी बनाया है, ये किस पे बेस्ड है, 24 गीगाबिट ग्राफिक्स डबल डाटा रेट 6 पे, जिसमें इसने यूज किया है थर्ड जनरेशन और इसकी स्पीड जिससे बहुत ज़्यादा ये क्विक हो गया है, फास्ट हो गया है, तो ये 30% क्विक हो गया है जो आजकल जितने भी प्रोडक्ट चल रहे हैं उनके कंपैरिजन में। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे सैमसंग की, तो सैमसंग के फाउंडर कौन है, ली ब्योंग चिल, और सैमसंग के चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में, ली क्यून ही। ओके, सो सैमसंग ने बनाया है फास्टेस्ट ग्राफिक ड्रैम, राइट। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, ड्रैम, तो ड्रैम यानी कि रैम, तो सैम रैम, तो एक जैसा लग रहा है ना, ड्रैम सैम, सो सैमसंग हो जाएगा। ओके, 21st क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज रिसेंटली स्टार्टेड द फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इन इंडिया। हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी राजस्थान। ओके, किसकी बात हो रही है, फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। ओके, अब डिजिटल लोक अदालत कौन शुरू करेगा, जहाँ के अदालत में ना अब स्थान बिल्कुल भर गया हो, यानी कि अब भैया स्थान ही नहीं है कि वो लोगों को बुलाए और सुनवाई करे, इसलिए लोक अदालत शुरू कर दिया, तो स्थान ही नहीं है, तो स्थान नहीं यानी कि राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, सो ये भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित द्वारा किया गया है। ओके, आपात हो रही है यहाँ पे अदालत की, सो अब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है प्रेजेंट में, एनवी रमन है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है, किरण रिजिजू है। और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, उदय उमेश ललित। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच सिटी विल बी द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SEO रिसेंटली। हाल ही में कौन सा शहर SEO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वाराणसी। ओके, अब SEO क्या है, सो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया है किसको, उत्तर प्रदेश के बनारस को, याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। सो द होली सिटी ऑफ वाराणसी शोकासिंग इंडियाज कल्चरल एंड ट्रेडिशन ओवर द एजेस विल बी डिक्लेयर्ड द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। वाराणसी विल बिकम द कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ द SEO फॉर 2022 एंड 2023। सो 2022-23 के लिए बनारस को बनाया गया है कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल SEO द्वारा। ओके, अब SEO में टोटल 8 मेंबर्स हैं, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल SEO ने किसको बनाया है, उत्तर प्रदेश के बनारस को। ओके, 23rd क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सेवा। कौन सा राज्य हाल ही में अपनी डिजिटल सेवा रखने वाला पहला राज्य बन गया है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी केरला। ओके, अब केरला बन गया है जो खुद का इंटरनेट सेवा रखेगा, कैसे ध्यान रखना है हमको, केरल की बात हो रही है यानी कि खुद का इंटरनेट अगर आपके पास होगा ना, तो आप उसको दिन भर चलाओगे, है ना, आप उसको खोल दोगे, चला दोगे, दिन भर चलाते रहोगे कुछ ना कुछ, तो कैसे चलाओगे, बिल्कुल जैसे रेल दिन भर चलती रहती है ना, तो रेल की तरह। तो जब आप ऑप्शन देखोगे ना कि असम, तेलंगाना, कर्नाटका, तो और कोई चीज़ चलती है क्या, तो बस रेल ही तो चलता है ना, तो दिन भर क्या चलता है, रेल चलता रहता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। तो बस अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा, यानी कि इंटरनेट सेवा होगा तो दिन भर चलाएंगे, तो दिन भर क्या चलता है, रेल, सो केरला हो जाएगा। ओके, सो केरला इज नाउ द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन द कंट्री टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ग्रांटिंग ऑफ एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISFP लाइसेंस टू द IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ द केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड, जिसका क्या नाम है, KFON, विच एम्स टू प्रोवाइड एवरीवन इन द स्टेट एसेस टू द इंटरनेट। ओके, सो स्टेट के हर इंसान के पास इंटरनेट पहुंचे, सो ये एम रखते हुए इसको लॉन्च किया गया है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन है,
वेयर हैज द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 स्टार्टेड रिसेंटली, तो कहाँ पे रिसेंटली स्टार्ट हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई है यूजीन में, ओके, यूजीन ओरेगॉन में, ठीक है। तो होस्ट सिटी कौन है, यूजीन ओरेगॉन है। एथलेटिक्स कितने इसने पार्टिसिपेट किया है एथलीट्स ने, 1972 में, ठीक है। और इसमें स्पोर्ट्स कौन से होंगे, जितने भी एथलेटिक्स में स्पोर्ट्स आते हैं, खेलना दौड़ना भागना लॉन्ग जंप, ये सारे इसमें आएंगे, ठीक है। इवेंट्स 49+1 टीम, कब से कब तक होगा, तो ये जुलाई 15 से 24 जुलाई तक हुआ है 2022, ठीक है। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे, अगर पूरे वर्ल्ड में आपको चैंपियन बनना है ना एथलेटिक्स का, तो ये काम आसान नहीं होगा, यानी कि ईजी नहीं है आपको एथलेटिक्स का चैंपियन बनना वर्ल्ड में, तो ईजी नहीं, तो यूजीन, सो ईजी नहीं यानी कि यूजीन, सो यूजीन हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे शुरू हुई थी, यूजीन ओरेगॉन यूनाइटेड स्टेट्स में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स हैज़ बिन कन्फर्म्ड, हाल ही में भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हुई है, तो ये हुई है केरल में, ओके। कैसे ध्यान रखना है आपको केरल, तो मंकी से याद रखना है आपको कि मंकी आपका करेला लेके तोड़ के चला गया, यानी कि मंकी ने करेला तोड़ लिया, तो करेला यानी कि केरला हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से रिलेट करके आपको उसको ध्यान रख लेना है। 26 क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री कंडक्टेड अ हाईली सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट नेम्ड लुक ज़ेपलिन टू डिटेक्ट डार्क मैटर इन द यूनिवर्स, हाल ही में किस देश ने ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स ज़ेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया है, तो किसने किया है, अमेरिका ने किया है, ठीक है। अब अत्यधिक संवेदनशील जो होगा ना, तो उसमें पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, तो कौन कर पाएगा, जो अमीर हो और जिसके टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो, सो अमेरिका ही है, सो अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। सो ये वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर है, डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट नेम लुक्स ज़ेपलिन इन द USA एंड हैज़ बीन यूज फॉर फाइंडिंग एविडेंस ऑफ डार्क मैटर इन द यूनिवर्स, ओके। बात हो रही है USA की, सो भारत, इसराइल और UAE और USA ने नया I2U2 समूह बनाया है। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रॉन्टियर ने फुकाकू को पीछे छोड़ दिया है, तो यानी कि अब सुपर कंप्यूटर कौन हो गया है, वर्ल्ड का सबसे फास्ट फ्रॉन्टियर। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना है। अमेरिका गन कंट्रोल विधेयक पारित करने वाला पहला कंट्री बन गया है, ठीक है। तो कैसे अब हम इसको ध्यान रखेंगे, क्या लिखा है, लक्स ज़ेपलिन लिखा है ना, तो लक्स यानी कि लुक्स, ओके। सो लुक्स किसके अच्छे होते हैं, अमीर लोगों के, तो चाहे वो डार्क हो चाहे वाइट हो, उनके लुक्स सबसे बेस्ट होते हैं, तो डार्क यानी कि डार्क मैटर के लिए, ओके। सो डार्क मैटर के लिए एक हाईली सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है लुक्स ज़ेपलिन, किसने शुरू किया है, यानी कि किसने किया है, अमेरिका ने, राइट। 27th क्वेश्चन इज, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द EFIR सर्विस, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा शुरू की है, सो किसने शुरू की है, उत्तराखंड ने, ठीक है। तो FIR जब हम फाइल करते हैं, तो कई सारे उसमें क्वेश्चंस रहते हैं जिसका आंसर आपको देना पड़ता है, यानी कि हर खंड का उत्तर देना पड़ता है, ओके। सो जब EFIR हो जाएगा, तो हर खंड का उत्तर नहीं देना पड़ेगा, तो उत्तर नहीं खंड का, सो उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। सो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है EFIR सर्विस, तो इस तरीके से रिलेट करके हमें ध्यान रखना है, ओके। अब बात हो रही है किसकी, EFIR सर्विस की। सो द EFIR सर्विस एंड द उत्तराखंड पुलिस ऐप वर इंट्रोड्यूस बाय CM पुष्कर सिंह धामी, तो किसने इंट्रोड्यूस किया इसको, CM पुष्कर सिंह धामी ने। द स्टेट पुलिस 5 ऑनलाइन सर्विसेज आर ऑल इंटीग्रेटेड इनटू पुलिस ऐप धामी, सो ये जो ऐप है ना धामी, इसमें 5 ऑनलाइन सर्विसेज जो है उसको इंटीग्रेट किया गया है। 28th क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ टेकन ओवर एज द डायरेक्टर ऑफ REC, यानी कि हाल ही में REC के निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, VK सिंह। अब REC क्या है, सो ये है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब रूरल में इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है, लाइट की बात हो रही है, कैसे ध्यान रखना है, रूरल यानी कि गांव, सो गाय की जो गांव होते हैं ना, उनकी इलेक्ट्रिफिकेशन कैसी होती है, वीक रहती है, तो वीक यानी कि VK, तो VK, सो VK सिंह हो जाएगा, ठीक है। सो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है, VK सिंह को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली दिया मिर्जा एंड अफरोज शाह वर ऑनर्ड विद मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, हाल ही में दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, ठीक है। अब दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मिला है मदर टेरेसा अवार्ड। अब मेन पॉइंट इसमें ये याद रखना है ना कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसको मिला, दिया मिर्जा ने अफरोज शाह को। अब मदर की बात हो रही है ना, तो मदर रोज़ दिए की तरह हमें रास्ता दिखाती है, तो रोज़ यानी कि अफरोज शाह
और दिया यानी कि दिया मिर्जा। ओके, सो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे मिला है? दिया मिर्जा एंड अफरोज शाह को। ठीक है, अब बात हो रही है महाराष्ट्र की। सो महाराष्ट्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। सो इंडिया हैज सेट द रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाई ओवर इन नागपुर। ओके, तो इंडिया ने रिकॉर्ड बनाए हैं नागपुर में लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाई ओवर बना के। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया। महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव जीन बैंक प्रोजेक्ट। रतन टाटा हैज़ बीन कन्फर्म्ड एन ऑनरी डॉक्टरेट ऑफ महाराष्ट्र। तो रतन टाटा को दिया गया था अभी रिसेंट कुछ दिन पहले डॉक्टरेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, थर्टी क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022। हाल ही में किस राज्य को टाइम मैगजीन के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केरला। ओके, अब 50 ग्रेटेस्ट प्लेस टाइम मैगजीन द्वारा, ठीक है, तो उसी प्लेस को ग्रेटेस्ट कहा जाएगा ना जहाँ पर घूमने के लिए टाइम टू टाइम आपको रेल भी दिख जाए। तो रेल यानी कि केरल, तो रेल केरल, सो केरला हो जाएगा। ठीक है, सो केरला और अहमदाबाद को टॉप 50 टाइम मैगजीन में रखा गया है वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेस में। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे ग्रेटेस्ट प्लेस की। सो टॉप पर है इसमें रस अल कैमा जो UAE में है। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है कि टॉप 50 में इंडिया का भी है, तो कौन है? केरल और अहमदाबाद सिटी। ओके, 31 क्वेश्चन इज, हु हैज रिसेंटली वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द सिंगापुर ओपन 2022। हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 में एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? PV सिंधु ने जीता है। ओके, अब सिंगापुर ओपन 2022 की बात हो रही है, ठीक है, तो 22 यानी कि वॉइस। ओके, अब सिंगापुर यानी कि सिंह, तो सिंह वॉइस, तो वही सिंह करेगा जिसकी वॉइस अच्छी होगी। तो सिंह से सिंह, सिंह भी यहाँ पे आ रहा है ना, तो सिंह यानी कि PV सिंधु हो जाएंगी। तो सिंह वॉइस यानी कि 22। तो सिंगापुर ओपन 2022 का किसने गोल्ड मेडल जीता है? किसने इस टाइटल को जीता है? PV सिंधु ने। ओके, एज इंडियन शटलर एंड ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु क्लेज द सिंगापुर ओपन 2022 टाइटल। डिफीट किया इन्होंने चाइना के वैंग जी यी को इन द फाइनल ऑफ द वुमेन सिंगल कैटेगरी, राइट। टू क्वेश्चन इज, हु विल बी द हेड ऑफ द रिसेंटली फॉर्म्ड NABFID। हाल ही में गठित NABIFD का प्रमुख कौन होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राज किरण राय। ठीक है, तो इनको बनाया गया है NABFID, जो पहली बार इसको बनाया गया है, इसका हेड बनाया गया है और जिसकी लागत है 20,000 करोड़ रुपए, तो इसी का नेतृत्व करने के लिए इन्हें बनाया गया है। ठीक है, अभी NABFD क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको बैंक में ना जो आपके पास फाइनेंस होगा उसको, उससे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर करना है और डेवलपमेंट करना है, तो कौन करेगा? राज और किरण करेंगे मिलके, तो राज किरण, तो राज किरण मिलके, सो क्या हो जाएगा? राज किरण राय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को कि राज किरण मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट करेंगे नेशनल बैंक का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिसेंटली। ओके, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आशीष कुमार चौहान। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। ओके, तो आपके पास कोई स्टॉक है, आप उस स्टॉक का एक्सचेंज कर रहे हो, तो बदले में आपको कुछ तो चाहिए ना, तो कुछ तो आपको भी मिलेगा। तो मनी नहीं, तो आप क्या कह रहे हो? अरे भाई मनी नहीं तो आशीष ही दे दो, आशीर्वाद ही दे दो, तो आशीष यानी कि आशीष कुमार चौहान हो जाएंगे। ठीक है, बात हो रही है NSE की। सो NSE का लोकेशन है मुंबई महाराष्ट्र में, इसका हेडक्वार्टर है। ये फाउंड हुआ था 1992 में और इसके जो प्रेजेंट में चेयरपर्सन है वो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, राइट। 34 क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द फाइनल्स ऑफ मैंस लॉन्ग जंप इन WAC। हाल ही में WAC में पुरुष की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन है? सो कौन है? मुरली श्री शंकर। ओके, तो लॉन्ग जंप WAC यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो अभी चल रही है, तो किसने, तो कौन फाइनल तक पहुंचा इसमें? मुरली सुरेश शंकर। ओके, कहाँ पे हुआ है ये? अभी हमने पीछे पढ़ा था यूजीन ओरेगन में। तो कैसे ध्यान रखना है कि लॉन्ग जंप में, तो लॉन्ग जंप करते करते टाइम ना कभी कभी पैर भी मुड़ जाता है और संकट भी आ जाता है पैर में, यानी कि पैर मुड़ने के कारण पैर में संकट भी आ सकता है, तो मुड़ और संकट, सो मुरली श्री शंकर। ओके, चलते हैं 35th क्वेश्चन पे। वेयर इज द हैप्पीनेस उत्सव सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दिल्ली। ओके, अब हैप्पीनेस उत्सव की बात हो रही है ना यहाँ पे, सो अब इस तरीके के जितने उत्सव होते हैं ना वो दिल्ली के स्कूल में ही मनाए जाते हैं, गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं, तो आंसर भी इसका क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ओके, सो इस टाइप के जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मेनली दिल्ली में ही होती हैं, तो
दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर, राइट। अब बात हो रही है दिल्ली की, सो दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है। पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित करेगा। देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा भी दिल्ली में की है, राइट। 36th क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज गॉट द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ला गणेशन। ओके, अब वेस्ट बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राज्यपाल का ला गणेशन को। ओके, सो कैसे ध्यान रखना है ना, वेस्ट बंगाल तो उसी को बनाया जाएगा ना जो बेस्ट हो, तो वेस्ट बंगाल बेस्ट, सो गणेश जी सबसे बेस्ट है तो ला गणेशन हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप जब देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा एडिशनल चार्ज दिया गया है जो बेस्ट है बेस्ट गणेश, सो ला गणेशन को। ओके, सो आखिर इन्हें क्यों बनाया गया? सो फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ जगदीप धनखड़, सो जगदीप धनखड़ जो पहले थे उन्होंने हमारा रेजिग्नेशन दे दिया, इसकी वजह से ला गणेशन को बनाया गया है वेस्ट बंगाल का, एडिशनल चार्ज दिया गया है वेस्ट बंगाल के राज्यपाल का। ओके, अब बात हो रही है किसकी, वेस्ट बंगाल की। सो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है कौन है, वो ममता बनर्जी हैं, और वेस्ट बंगाल का जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज है वो कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव। ओके, चलते हैं 37 क्वेश्चन पे, विच मेडल हैज ऐश्वर्या तोमर वॉन इन ISF शूटिंग वर्ल्ड कप इन चांगोन रिसेंटली। हाल ही में चांगोन में ISF शूटिंग विश्व कप में ऐश्वर्या तोमर ने कौन सा पदक जीता है? ओके, सो यहाँ पर नाम है ऐश्वर्य तोमर। ओके, सो गोल्ड मेडल जीता है, कैसे ध्यान रखना है हमें कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने क्लिंच किया है गोल्ड मेडल 50 मीटर राइफल में, ठीक है, जो कहाँ पे हुआ है, चांगवॉन कोरिया में। अब किसकी बात हो रही है, शूटिंग की। सो अब शूटिंग में जिसने अपने गोल को हासिल किया ना तो उसी को ऐश्वर्य मिलेगा, तो शूटिंग में गोल हासिल किया यानी कि गोल्ड हासिल किया तो ऐश्वर्य मिला, सो ऐश्वर्य तोमर हो जाएंगे। ओके, सो ऐश्वर्य तोमर ने गोल्ड मेडल जीता है। 38 क्वेश्चन हो जाएगा, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस द नवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार स्वावलंबन रिसेंटली। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन का कहां पर संबोधित किया है? तो कहां पर किया है, न्यू दिल्ली में किया है, ठीक है। अब स्वावलंबन, सो अब किसी का स्वभाव अच्छा है इट मीन्स उसका दिल भी अच्छा होगा ना, तो स्वभाव अच्छा यानी कि दिल अच्छा, सो दिल्ली में किया है स्वावलंबन का उद्घाटन, ठीक है। सो द NIIO यानी कि नवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, विद द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन DIO के साथ एम किया है कि एटलीस्ट 75 न्यू इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज बनाई जाएं जिसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडियन नेवी में, ठीक है। तो इंडियन नेवी में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई जाएंगी 75 न्यू जो इंडियन नेवी में इंक्लूड किया जाएगा, और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, स्प्रिंट है। ओके, तो कहाँ पर स्वावलंबन मोदी ने एड्रेस किया है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो जिसका स्वभाव अच्छा उसका दिल भी अच्छा, तो स्वभाव दिल्ली, सो न्यू दिल्ली हो जाएगा, राइट। 39 क्वेश्चन है, विच स्टेट्स फॉर्मर स्पीकर निर्मल सिंह खेलौन हैज पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह खेलौन का निधन हो गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब, ठीक है। क्या नाम है इनका, निर्मल सिंह खेलौन। सो निर्मल लोग भी आजकल खलनायक हो जाते हैं, तो खेलौन यानी कि खलनायक, खलनायक हो जाते हैं क्यों, जब उनके पास जॉब नहीं रहती, तो निर्मल लोग भी आजकल खलनायक बन गए हैं बिकॉज उनके पास जॉब ही नहीं है, तो जॉब नहीं है तो जॉब यानी कि पंजाब। ओके, सो पंजाब के ये पूर्व अध्यक्ष और शिरोमणि अकाली दल के नेता थे निर्मल सिंह कहलो, जिनका 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 40 क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली वॉन द पेरिसिन ओपन अ चेस टूर्नामेंट 2022 इन सर्बिया। हाल ही में सर्बिया में पेरिसिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है, ठीक है, आर प्रज्ञानंद यानी कि रमेश बाबू। ओके, अब किसकी बात हो रही है, चेस की बात हो रही है। सो चेस को खेलते टाइम ना कैसे हमें ध्यान रखना है कि चेस को खेलते टाइम ना, अब आगे वाला अगर आपसे अच्छा खेला है तो कभी कभी दिमाग गर्म हो जाता है, बिल्कुल पारा हाई हो जाता होगा, तो उस पारा हाई ना, वो पारा हाई ना हो तो खेलने से पहले ना जो प्लेयर है वो बिल्कुल प्रतिज्ञा लेके बैठता होगा कि दिमाग का पारा बढ़ने नहीं देना है, अब बिल्कुल आनंद और मस्ती से खेलना है, तो पारा बढ़ने नहीं देना है यानी कि पेरासिन। ओके, और मस्ती से खेलना है, आनंद से खेलना है, तो प्रज्ञा आनंद, राइट। सो पेरासिन ओपन अ चेस टूर्नामेंट 2022 जो सर्बिया में हुआ है, किसने जीता है इसको, आर प्रज्ञानंद ने जीता है, और ये बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। सो इन चेस यंग इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन हैज़ वॉन द पेरिसिन ओपन अ चेस टूर्नामेंट 2022 इन सर्बिया।
अब बात हो रही है चेस की, सो तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव भारत के 74 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं 74th नंबर के। भारत सुब्रमण्यम जनवरी में देश के 73वें ग्रैंड मास्टर बने थे। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे जो 1988 में बने थे, ठीक है। 41 क्वेश्चन है, वेयर हैज द सेंसस डाटा वर्क स्टेशन रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड। हाल ही में जनगणना डाटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, IIT दिल्ली। ओके, किसकी बात हो रही है, सेंसस डाटा वर्क स्टेशन कहाँ पर उद्घाटन किया गया है इसका, IIT दिल्ली में। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। एक न्यू सेंसस वर्क स्टेशन हैज़ बीन अनवील्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली इन द इकोनॉमिक्स लैब ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। ओके, सो इकोनॉमिक्स लैब ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में अनवील किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली द्वारा अ न्यू सेंसस वर्क स्टेशन, ठीक है, सेंसस डाटा वर्क स्टेशन। तो ध्यान रखना है आपको IIT दिल्ली, राइट। 42 क्वेश्चन है, व्हेन हैज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे हैज बीन सेलिब्रेटेड। हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। ओके, कैसे ध्यान रखना है, नेल्सन और मंडेला, सो अब सन, सो किसी का सन है, किसी का सन है ना, तो डेली एक ही हट करता है, तो क्या करता है, डेली एक ही हट करता है कि मुझे झूला झूलना है, तो एक ही हट, तो हट तो 8 हो जाएगा, और झूला यानी कि झूला जुलाई। सो 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन है, प्रताप पोथन पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही। प्रताप पोथन का हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन थे, तो ये थे एक फिल्म डायरेक्टर। अब प्रताप पोथन की बात हो रही है ना, तो पोथन यानी कि पोथी। ओके, सो एक डायरेक्टर ही है ना जो सारा अपना पोथी लेके चलता है फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए, यानी कि अपना सारा सेटअप लेके, पोथी फिल्म डायरेक्टर, सो फिल्म डायरेक्टर हो जाएंगे ये। 44 क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द नेशनल वाटर शेड कॉन्फ्रेंस 2022 बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली। हाल ही में राष्ट्रीय वाटर शेड सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया है न्यू दिल्ली में। ओके, अब नेशनल वाटर शेड कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, तो कैसे ध्यान रखना है ना आपको, वाटर को शेड कर दिया यानी कि वाटर का छिड़काव कर दिया, वाटर को डाला, तो शेड डाला, सो न्यू दिल्ली में हो जाएगा। तो बस आपको ये लाइन ध्यान रखनी है कि नेशनल वाटर शेड कॉन्फ्रेंस 2022 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था रिसेंटली, न्यू दिल्ली में, राइट। 45th क्वेश्चन है, हु विल होस्ट 2025 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। 2025 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टोक्यो। ओके, अभी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की ही बात हो रही थी, अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था जो अभी चल रहा है, और ये हुआ है 15 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में। सो 2025 का भी अब वेन्यू आ गया है, तो ये कहाँ पे होगा, टोक्यो में होगा। ओके, सो द 225 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप विल बी द 20th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप एंड आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन समर 2025 इन टोक्यो जापान। 19th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप आर शेड्यूल्ड टू बी फ्रॉम 19 अगस्त टू 27 अगस्त इन 2023 इन बुडापेस्ट हंगरी। ओके, सो 19 अगस्त से 27 अगस्त में होगा ये बुडापेस्ट हंगरी में, 19th एडिशन 2023 में, और अभी 2022 का कौन सा एडिशन है, 18th एडिशन है, जो कजीन ओरेगन यूनाइटेड स्टेट्स में जुलाई 15 टू 24 जुलाई तक हुआ है, राइट। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब 2025 की बात हो रही है ना, तो 25 यानी कि पर्ची, तो अगर आपको वर्ल्ड एथलेटिक शिप में पार्टिसिपेट करना है चैंपियनशिप में, तो आपको भाई पर्ची कटानी पड़ेगी, है ना, तो पर्ची अगर आप नहीं कटाओगे तो आपको वहाँ पर सब टोकेंगे, सो कोई आपको टोके ना, सो पर्ची कटा के जाना, तो टोके ना, सो टोक्यो हो जाएगा। सो 2025 का वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पर होने वाला है, टोक्यो जापान में। ओके, 46 क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च द इनिशिएटिव कॉल्ड प्लेटफॉर्म टू फ्लैटफॉर्म टू प्रमोट एग्रीकल्चर बिजनेस। हाल ही में कृषि व्यवसाय को बढ़ाना देने के लिए प्लेटफॉर्म टू फ्लैटफॉर्म नामक पहल किसने शुरू की है, सो किसने शुरू की है, नरेंद्र सिंह तोमर ने, ठीक है, प्लेटफॉर्म टू फ्लैटफॉर्म, ठीक है। अब फार्म वगैरह पर खेती ही की जाएगी ना, तो फार्म होगा बड़े बड़े, तो यानी वहाँ पे खेती होगी, तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, तो किसने शुरू किया है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने ही। ओके, सो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ENRM के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म POC का अनावरण किया है कर्नाटका में, और कुल 1018 किसान उत्पादक संगठन FPO को 37 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान मिला है, जिससे 3.5 लाख किसानों को मदद मिली है, राइट।
अब बात हो रही है किसकी, यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर की। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कौन है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर है। चीफ मिनिस्टर कौन है कर्नाटका के, क्योंकि कर्नाटका में शुरू किया गया है, सो कौन है, श्री बसवराज बोम्मई। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कौन है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि प्लेटफॉर्म टू फ्लैटफॉर्म किसने प्रमोट किया है इसको, एग्रीकल्चर बिजनेस को, नरेंद्र सिंह तोमर ने जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, राइट, कहाँ पे, कर्नाटका में। 47 क्वेश्चन है, वेयर विल इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट ईको पार्क बी बिल्ट रिसेंटली टू टैकल पॉल्यूशन, प्रदूषण से निपटने के लिए हाल ही में भारत का पहला ई कचरा ईको पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया गया है दिल्ली में। ओके, अब फर्स्ट ई वेस्ट ईको पार्क, ठीक है, कैसे ध्यान रखना है, ई वेस्ट ईको पार्क, तो जिस स्टेट ने भी बनाया ना, तो वो क्या कह रही है लोगों से, अगर आपके पास कोई भी वेस्ट है तो इस पार्क में लाके डाल दो, ठीक है, तो क्या बोल रही है, इस पार्क में लाके डाल दो ताकि हम इसको भी इको फ्रेंडली बना सके, तो डाल यानी कि डेल दिल्ली हो जाएगा। सो फर्स्ट ईको पार्क कहाँ पर बिल्ड किया गया है, दिल्ली में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कहाँ पर है, दिल्ली में ही है, सो दिल्ली में ही इसको बनाया गया है। सो अप्रॉक्सीमेटली 21 एकर वुड बी यूज टू क्रिएट इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट ईको पार्क इन होलामी कलन, अ नेबरहुड ऑफ दिल्ली। चीफ मिनिस्टर कौन है दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल। एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है दिल्ली के, गोपाल राय। और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है दिल्ली के, मनीष सिसोदिया, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है ये, फर्स्ट ई वेस्ट ईको पार्क, ठीक है, तो इस तरीके से ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, Who has recently taken over as the executive director of SEBI, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाल ही में सेबी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो किसने किया है, प्रमोद राव ने किया है। ओके, सेबी की बात हो रही है यहाँ पे, तो कैसे ध्यान रखना है, सेबी यानी कि सेब। ओके, तो जब हम बहुत ज़्यादा थके हारे होते हैं ना, तो फट से हम फ्रूट खा लेते हैं ताकि हमें एनर्जी आ जाए, तो सेब खा लिया यानी कि तुरंत एनर्जी आ जाए, तो सेब खा के एनर्जी आ गई, और एनर्जी आ गई तो हम अल्ट्रा प्रो मोड में चले गए, तो अल्ट्रा प्रो मोड, सो प्रमोद राय। ओके, सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेबी का किसे बनाया गया है, प्रमोद राय को बनाया गया है। अब बात हो रही है यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स की, सो अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम। सो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं आर दिनेश। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO बनाए गए हैं परितोष त्रिपाठी। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर बनाया गया है मोहन सुब्रमण्यम। अभीव इंडिया के नए MD और CEO बनाए गया है असीत रथ को। ओके, 49 क्वेश्चन है, हु विल बी एक्सेप्टेड बाय द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज इट्स 9th मेंबर रिसेंटली। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन द्वारा अपने 9वें सदस्य के रूप में किसे स्वीकार किया जाएगा, तो किसे स्वीकार किया गया है, ईरान को। ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ने अपना 9th मेंबर बनाया है ईरान को, सीधी सी इसकी बात है, कैसे ध्यान रखना है, 9th मेंबर शंघाई, तो शंघाई यानी कि सगाई। ओके, तो 9 यानी कि 9 यानी कि 9, तो अगर कोई अपनी सगाई नहीं करना चाहता ना, तो वो अपने घर से भाग जाता है, रेन कर जाता है, तो रेन यानी कि ईरान। ओके, सो 9th मेंबर कंट्री कौन हो गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ईरान, राइट। सो ईरान वॉज ऑफिशियली एडमिटेड एज अ फुल मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन द 21st समिट ऑफ SCO लीडर्स दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ है। अब बात हो रही है SCO की, तो SCO का हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोवॉव। SCO फाउंड हुआ था 15 जून 2001 में। SCO के परमानेंट मेंबर हैं चाइना, रशिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं 50 क्वेश्चन पे। रिसेंटली हु हैज लॉन्च पेमेंट इन चैट फीचर। हाल ही में पेमेंट इन चैट फीचर किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है इंस्टाग्राम में। ठीक है, अब पेमेंट इन चैट, तो इंस्टाग्राम पे आप चैट करते करते पेमेंट भी कर दो। ओके, तो कैसे ध्यान रखना है, चैट तो इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं, तो चैट इंस्टेंट तो इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। सो आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टाग्राम। ओके, सो मेटा के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। अनाउंस दैट द कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू प्लेटफॉर्म इन चैट फीचर ऑन इंस्टाग्राम। With this new feature, user can purchase products from small business and track order via direct messages on Instagram. Okay? So, इसका use करके direct products आप अपना बेच सकते हो। ठीक है, तो ये small businessman जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा ये help करेगा। So, इसलिए इसको launch किया गया है payment in chat feature Instagram पे। अब Instagram की बात हो रही है, तो Instagram launch हुआ था 6 अक्टूबर 2010 में। और Instagram के owner कौन है, Meta company है। Instagram के founder कौन है, Kevin Systrom। Okay? 51 क्वेश्चन इज,
वेयर हैज़ द मुख्यमंत्री उद्यमन खिलाड़ी अपग्रेडेशन योजना बीन स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है उत्तराखंड में। ओके, तो आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री उद्यमन खिलाड़ी अपग्रेडेशन योजना। अब खिलाड़ी को अपग्रेड करना है ना, तो खिलाड़ी को अपग्रेड करके गेम में उतारेंगे, तो उतारा यानी कि उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, बात हो रही है उत्तराखंड की। सो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ 29 अगस्त 2022 को होगा। इसके अंतर्गत हर जिले के 150 बालक और इतनी ही बालिकाओं को प्रत्येक महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। तो कौन देने वाला है? तो मुख्यमंत्री द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया है वहाँ के पुष्कर सिंह धामी द्वारा। 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर 8 से 14 साल के बच्चों को ये खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। राइट, बात हो रही है उत्तराखंड की। सो उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड में BRO @63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना भी शुरू की है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यमिता भारत वाटिका का उद्घाटन भी किसने किया है? उत्तराखंड ने। फर्स्ट लाइकेन पार्क इंडिया का कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है? उत्तराखंड में। राइट, 52 क्वेश्चन इज Who had recently become the new ethics officer of BCCI? Okay, so हाल ही में BCCI के नए ethics officer कौन बने हैं? So विनीत शरण बने हैं। अब ethics officer की बात हो रही है ना, कैसे ध्यान रखना है कि हमारे ethics हमें सिखाते हैं कि किसी से विनती करना, किसी के शरण में जाना है ना, तो विनती करना, शरण में जाना, तो विनीत शरण हो जाएंगे। ओके, सो न्यू ethics officer BCCI का यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया किसमें किसको बनाया गया? विनीत शरण को। सो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विनीत शरण ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बात हो रही है BCCI, तो इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली, सचिव है जय शाह, हेडक्वार्टर है मुंबई में, स्थापना हुआ है December 1928 में। ओके, सो 53 क्वेश्चन है, वेयर हैज़ MSME मिनिस्टर नारायण राणे रिसेंटली लॉन्च मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप? MSME मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मुंबई में। ओके, किसकी बात हो रही है? MSME मिनिस्टर नारायण राणे लॉन्च मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप, तो मोबाइल से मुंबई हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है। चेयरमैन जो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के, वो हैं श्री पी उदय कुमार। यूनियन मिनिस्ट्री है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के नारायण राणे। ठीक है, तो ये जो एक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप है, ये काम कैसे करेगा, तो इसे हम देख लेते हैं। सो एट द फ्यूलिंग इंडिया 2022 इवेंट इन मुंबई में यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नारायण राणे ने इंट्रोड्यूस किया है रेपॉस पे। ओके, सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फॉर मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए एंड फाइव गिटल अ प्लेटफॉर्म फॉर फिनटेक। ऑन द रेपॉस पे प्लेटफॉर्म यूजर्स कैन ऑर्डर मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल्स एंड यूज डैम टू चार्ज देयर कार्स। ओके, सो जो यूजर्स हैं ना रोपोस पे के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो यूजर्स हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल और चार्ज कर सकते हैं अपने कार को। और जो एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है कॉल फी गेटल, ये यूज़ होगा, ये टेक्नोलॉजी यूज़ होगी टू इनेबल कंज्यूमर टू यूज क्रेडिट टू फ्यूल परचेजेस बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो फ्यूल ऑन क्रेडिट ऑप्शन फॉर लार्ज यूजर्स विल बी फैसिलिटेटेड थ्रू द एनर्जी फिनटेक प्लेटफॉर्म। राइट, सो किसने लॉन्च किया है इसको? नारायण राणे ने लॉन्च किया है मुंबई में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका रिसेंटली? हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने चुना गया है? तो रनिल विक्रम सिंघे को। ओके, कैसे ध्यान रखना है? रनिल विक्रम सिंघे, अब श्रीलंका में इतनी तबाही मच रही है, लोग बिल्कुल परेशान हैं। ओके, तो जितने भी वहाँ के प्रेसिडेंट जो बने थे यानी कि जो लंका के राजा थे ना, उनको हटा दिया, तो अब क्या सोचा गया, अब किसी रानी को बना के देखेंगे, तो रानी यानी कि रनिल विक्रम सिंघे हो जाएगा। ओके, 54 क्वेश्चन है, वेन इज वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 20 जुलाई को। चेस की बात हो रही है, ओके, तो चेस खेलते टाइम ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बिल्कुल दिमाग गर्म हो जाता है, यानी कि चेस खेलते टाइम बहुत झोल होता है। तो क्या होता है चेस में? बहुत झोल, तो बहुत, तो ब से याद रखना है आपको, ब यानी कि 20 और झोल यानी कि जुलाई, तो झोल जुलाई। सो 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड चेस डे। ओके, और इस बार की इसकी थीम है कि वुमेन इन चेस। राइट, 56 क्वेश्चन है,
Which IIT has recently developed a bio-inspired artificial muscle for a space robot? हाल ही में किस IIT ने एक अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम पेशी विकसित की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी IIT कानपुर। ओके, अब मसल की बात हो रही है ना, आर्टिफिशियल मसल, तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाओगे ना तो मसल से कौन बना है पूरी तरह? कान ही बना है, तो IIT कानपुर। ठीक है, तो IIT कानपुर हो जाएगा इसका आंसर। अब बात हो रही है यहाँ पे IITs की। सो IIT कानपुर डेवलप किया है बायो इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल मसल फॉर स्पेस रोबोट टू बूस्ट इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए। होमोसैप रोबोट डेवलप किया है IIT मद्रास ने। ओके, सो मैंने अलग से इस वीडियो में इसको कवर किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट IITs रहे न्यूज़ में। AI बेस्ड चेस्ट एक्सरे IIT जोधपुर ने डेवलप किया है। जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज एबिलिटी डेवलप किया है IIT हैदराबाद ने। ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री डेवलप किया है IIT कानपुर ने। राइट, 57 क्वेश्चन है। हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022? हाल ही में जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में किसने टॉप किया है? तो इसमें टॉप किया है मैक्सिको ने। ठीक है, अब एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग की बात हो रही है, तो एक्सपेक्ट यानी कि पैट, तो कैसे ध्यान रखना है, पैट को इनसाइड, तो पैट को इनसाइड लेके जाओ भाई, नहीं तो सिक हो जाएगा, तो सिक मैक्सिक, तो मैक्सिको हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अब मैक्सिको ने टॉप किया है एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 का, विच वॉज रिलीज बाय इंटरनेशंस रिसेंटली। वाइल इंडिया के रैंक है इसमें 36 पोजिशन 52 कंट्रीज में। ओके, अब विद अ हाई अफोर्डेबिलिटी स्कोर, अब क्यूबेक इसमें वर्स्ट कंट्री रहा है। ओके, अब इसमें बात हो रही है ना किसकी, एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग की, तो आखिर ये है क्या? सो द सर्वे टेक्स अ लुक विच ऑफर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द पीपल हु हैव अब्रॉड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये रैंकिंग प्रोवाइड करता है कि कौन कौन सी कंट्री के लोग जो अब्रॉड मूव कर गए हैं अपनी लाइफ को सुधार करने के लिए, तो किसके लाइफ में ज़्यादा सुधार आया है। तो इसमें टॉप क्या है मैक्सिको ने, और इंडिया है 36 पोजिशन पे। राइट, 58 क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन रिसेंटली। हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं मनोज कुमार। ठीक है, अब खादी विलेज इंडस्ट्री की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपकी इंडस्ट्री जो है वो विलेज में है खादी की, यानी कि विलेज में आपने इंडस्ट्री अपनी स्थापित कर रखी है और आप उसके हेड हो, तो आप मन नहीं करेगा आपको रोज़ रोज़ जाने में, क्योंकि विलेज में वैसी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो मन नहीं करेगा रोज़ रोज़ जाने को, तो मन रोज़ यानी कि मनोज कुमार हो जाएंगे। ठीक है, बात हो रही है अपॉइंटमेंट्स की। सो अपॉइंटमेंट्स अभी हमने पीछे भी देखा था, तो आप इसको देख सकते हो कि गोवा शिपयार्ड न्यू हेड कौन बने थे, ब्रिजेश कुमार। सतीश चंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। चलते हैं 59th क्वेश्चन पे। सो जुलाई के थर्ड वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उसे अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला डे था वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यानी कि विश्व युवा स्किल दिवस। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, अभी हमने इसको पीछे पढ़ा था। 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल जस्टिस डे या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। ओके, तो अब बात हो रही है न्याय की। ओके, तो न्याय मिलने में ना हमेशा ही खतरा रहता है ना, तो कभी कभी सही इंसान को भी इस फांसी के फंदे के झूले पे लटका देते हैं, तो झूला से जुलाई हो जाएगा और न्याय मिलने में खतरा, सो खतरा यानी कि 17। तो 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल जस्टिस डे या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। ओके, नेक्स्ट है 18 जुलाई, और 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे। ओके, और इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु डे या तमिलनाडु दिवस। ओके, तो इन दोनों डेज को पीछे हमने देखा था, राइट। और 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल चेस डे या अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, और इस डेज को भी हमने पीछे देखा था, राइट। सो जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं थर्ड वीक से, मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं ये, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और सारे डेज भी याद रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। PDF के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं, आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च भी करोगे तो भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।